इकरकटा तो छलका। बीजेपी विधायक रघुनाथ मालवीय का दर्द कार्यकर्ताओं के सामने, फूट फूट कर रोए। पार्टी पर लगाया कर्मठ कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप। एमपी विधानसभा चुनाव की तैयारी, इंदौर के स्ट्रांग रूम भेजी गई ईवीएम मशीनें। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में की गई रवाना। राजस्थान चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट, 43 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा। पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य को सोजत सीट से टिकट। 25 नवंबर को होगा मतदान। प्रत्याशियों के लिस्ट के बाद बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा। राजस्थान और मध्य प्रदेश में प्रदर्शन, कांग्रेस बीजेपी ऑफिस के सामने हंगामा जारी। राजस्थान के मंत्री महेश जोशी का दावा, कांग्रेस में नहीं बीजेपी में है संतोष। हमारे पास कई चेहरे लेकिन बीजेपी के पास मोदी के अलावा कोई चेहरा नहीं। एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल और मोदी को बताया भाई, कहा यूएपीए बनाने में राहुल ने मोदी का साथ दिया। सच्चाई को नहीं बयां करना कांग्रेस सबसे बड़ी कला है कांग्रेस की। पठानकोट में बोले कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री, कहा ये देश बाबर का नहीं रघुवर का है। हम देश में अपनी संस्कृति को जगह जगह पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का समाजवादी पार्टी पर निशाना, कहा कांग्रेस को कमजोर करना चाहते हैं अखिलेश ताकि मुसलमानों को कर सके गुमराह। उमा भारती ने फिर बीजेपी नेतृत्व पर साधा निशाना। एक्स पर लिखा मेरी बात सच निकली, बिना आरक्षण महिलाओं और खासकर पिछड़ी जाति की महिलाओं की सत्ता में उचित भागीदारी संभव नहीं। एमपी में सीट बंटवारे को लेकर एसपी कांग्रेस में जुबानी जंग। सूत्रों के मुताबिक कमलनाथ और अखिलेश के बयानों से आई कड़वाहट के बाद भी संपर्क में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता। कांग्रेस एसपी की जुबानी जंग के बीच एसपी नेता रामगोपाल का कमलनाथ पर कुछ भी कहने से इनकार, कहा कमलनाथ मेरे दोस्त। अखिलेश यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कांग्रेस ने हमेशा जातिगत जनगणना का विरोध किया, मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। दिवाली से पहले ही दिल्ली की हवा जहरीली, राजधानी के तमाम इलाकों में एक यूआई 300 के पार। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुलाई बैठक। एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने से दिल्ली की हवा में घुला जहर। इंडिया गेट और सेंट्रल दिल्ली इलाके में बीते 24 घंटों में एक यूआई 224 पहुंचा। इंडिया गेट के आसपास का इलाका सूना नजर आया। दिल्ली की खराब एयर क्वालिटी पर दिल्ली सरकार की अहम बैठक। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा दिल्ली में लागू किया गया ग्रैप का दूसरा चरण। मुंबई में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पालिका के वाहनों में लगी मशीन। शहर के अलग अलग इलाकों में किया जाएगा पानी का छिड़काव। लगातार बिगड़ रही मुंबई की हवा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में फिर से बर्फबारी, पहाड़ियों पर जम गई बर्फ तो हाईवे किनारे की पहाड़ियों पर बर्फबारी के बाद सफेदी छाई। इसरो ने जारी किया गगनयान मिशन टेस्ट का वीडियो। गगनयान टीवी D1 मिशन के क्रू मॉड्यूल की लैंडिंग दिखाई गई। टेस्ट उड़ान की सफलता के बाद अब टेस्ट फ्लाइट की तैयारी में जुटा इसरो। अब एक और टेस्ट फ्लाइट भेजी जाएगी जिसमें रोबोट को भेजा जाएगा। बांसवाड़ा शहर में फायर ब्रिगेड ऑफिस के पास नजर आए तेंदुआ। सीसीटीवी में कैद तेंदुए की चहलकदमी, दहशत में लोग। फुट ओवर ब्रिज का एक हिस्सा ढहा। दिल्ली के ललिता पार्क बस स्टैंड के पास बने फुट ओवर ब्रिज का एक हिस्सा टूटा। मैसूर में दशहरा उत्सव के दौरान हथियारों के अभ्यास के दौरान हुआ बम विस्फोट। हादसे में कर्मचारी बुरी तरीके से जख्मी हुआ। मानवी के मौके पर हरिद्वार में बाबा रामदेव ने किया कन्या पूजन। पैर छूकर कन्याओं का लिया आशीर्वाद। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में सैनिकों के साथ दशहरा मनाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। LSC के नजदीक सेना की पोस्ट पर पहुंचेंगे रक्षा मंत्री। तवांग में शस्त्र पूजा भी करेंगे राजनाथ सिंह। लखनऊ के कालीबाड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। माता के दरबार की फलों और सब्जियों से की गई सजावट। कन्या भोज हवन पूजन का किया गया आयोजन। दिल्ली के प्रीत विहार में गुफा वाला मंदिर में भक्तों की भीड़। महानवमी के मौके पर माता के दर्शन के लिए बहुत बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। नवमी के मौके पर दिल्ली के कालकाजी मंदिर में जुटी श्रद्धालुओं की भीड़। नवमी के मौके पर कालकाजी मंदिर में की गई आरती। श्रद्धालुओं ने किया कालकाजी का आशीर्वाद। नवरात्रि के मौके पर नोएडा सेक्टर 61 में दुर्गा महोत्सव का आयोजन किया गया। बंगाली रीति रिवाज से दुर्गा पूजा को देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। मुंबई में दुर्गा पंडाल में पहुंची एक्ट्रेस रानी मुखर्जी। पंडाल में रानी ने जमकर किया धुनुची डांस।
मुंबई में लगे दुर्गा पंडाल में बॉलीवुड के कलाकारों का जमावड़ा। नॉर्थ बॉम्बे सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडाल में पहुंचे कई कलाकार, पूजा अर्चना कर लिया मां का आशीर्वाद।